शराब के नशे में पति ने पत्नी के शरीर पर चाकू गोदकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि गर्दन और हाथ पर 6 वार किए। गंभीर रूप से घायल महिला को एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि नोएडा के सलारपुर के भट्टा कॉलोनी में अनीता भदौरिया पति अजय भदौरिया को शराब पीने से मना करती थी। वहीं मंगलवार देर रात अजय फिर शराब पीकर घर आया। इसी बात को लेकर दंपति का विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। वहीं अजय ने अनीता पर चाकू से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, उन्होंने पुलिस को फोन किया। अनीता मूल रूप से कानपुर की रहने वाली है। वहीं अजय ने अनीता की गर्दन पर 2 बार और हाथ पर 3 और कमर पर 1 बार चाकू से वार किया। चाकू के घोंपने और बाहर निकालने से उसका बहुत सारा खून बह गया था। जिस समय यह घटना हुई, बच्चे बाहर थे। आपको बता दें कि दंपति के 2 बच्चे हैं। वहीं चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।